वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज मैं इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ और इस ग्रामर में हम टेंसेस का फॉर्मूला कैसे, हाउ टू मेक फॉर्मूलाज ऑफ टेंसेस, है ना। वैसे तो हम थ्री टाइम्स में टेंसेस को लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, एंड देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ईच टेंस। एक टाइप का फोर टेंस होता है, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस चार्ट को हम कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले ये देख लीजिए आप, उसके बाद वी हैव टू राइट डाउन ऑल फॉर्मूलाज वन बाय वन एंड वी विल लर्न द ट्रिक टू राइट फॉर्मूलाज। ओके, इसके ट्रिक देखने वाले हैं कि ये एक बार हमें ध्यान में आ गए तो हम कोई भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट। पहले से कैसे पढ़ना है, तो प्रेजेंट टेंस इसे समझते समय पे आपको ये ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस लिखा है। जब फॉर्मूला समझेंगे तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं यहाँ लिखूंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ लिखूंगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैं यहाँ लिखूंगी फॉर्मूला एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आई विल राइट फॉर्मूला हियर। ओके, देन पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस आई विल राइट हियर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हाउ टू रीड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देन आई विल राइट द फॉर्मूला हियर, पास्ट परफेक्ट टेंस हियर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हियर। ओके, देन फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का यहां रहेगा फॉर्मूला, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यहां रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला यहां रहेगा एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला हम यहां लिखेंगे। स्टूडेंट एक बार ये ट्रिक आप जान लीजिए, इसके बाद बड़ा आसान लगेगा आपको, कोई भी फॉर्मूला आप एकदम माइंड में फटाक से बना लोगे और फटाफट आपको कुछ सेंटेंसेस को चेंज करते रहेगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस को हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 12 टाइप्स से हम लिख सकते हैं एक सेंटेंस को। जनरली आई ईट अ मैंगो यही वाला सेंटेंस लेते हैं, तो अगर आई ईट अ मैंगो लिख रहे हैं तो इस सेंटेंस को हम 12 टाइप्स से चेंज कर सकते हैं। हिंदी में भी हम एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, मैं मैंगो खाता हूँ, मैंने मैंगो खाया, मैं मैंगो खाऊंगा, मैं मैंगो खाता आ रहा हूँ, मैंने मैंगो खा लिया, ऐसे हम सेंटेंस बोलते हैं, तो वैसे ही हम इंग्लिश में भी चेंज करेंगे। ओके, सो पहले फॉर्मूला कैसे, प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब ही शी इट, जहाँ से भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं हम, जिसके बारे में वो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट कहलाया जाता है। तो राम के बारे में अगर लिख रहे हैं, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो राम होगा सब्जेक्ट। तो ऐसे वर्ड्स को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, मोस्टली नाउन या प्रोनाउन आता है। सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, वी वन मतलब वर्ब, वर्ब मतलब काम, काम मतलब रनिंग, गोइंग, सीटिंग, कैचिंग, थ्रोइंग, ये सारे वर्ड जो है ये वर्ब होते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी पढ़ेंगे, रन, गो, कैच, थ्रो, ये सारे वर्ब होते हैं। तो ये वी वन मतलब पहला फॉर्म, ऐसे तो हम थ्री फॉर्म्स में लिखते हैं वर्ब को, कैसे, वी वन, वी टू एंड पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, ओके, मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो जैसे हो गया ईट मतलब खाता हूँ, एट खाया एंड ईटन मतलब खा चुका, जब हम ये खा चुका वर्ड यूज करते हैं तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। आप मोस्टली क्या समझते हैं, इसे खाऊंगा, आप फ्यूचर टेंस लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। ओके, पास्ट पार्टिसिपल मतलब हमने वो काम कर लिया है। ओके, जैसे एक आधा और कोई एग्जाम्पल, कैच, कॉट, कॉट, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ऐसे बहुत सारे, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, हाँ, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जिसकी एक लिस्ट मैं आपको दे दूंगी। सो सब्जेक्ट वर्ब हो गए, ये वाले वर्ब वी वन आएगा, इसे हम वी वन कहते हैं, इसको वी टू कहते हैं। ओके, ये वी वन यहाँ आएगा, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब बचा हुआ, गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, इसी को आप पास्ट टेंस में कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, वी टू मतलब यहाँ पर आने, इस लाइन में आने वाले, इस रो में आने वाले सारे वर्ड्स हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं वी टू में। ओके, ये पास्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा वर्ब का। देन फ्यूचर में आएगा सब्जेक्ट
प्लस बिल्चौर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ V1 आता है और यहाँ पर भी V1 आता है, V2 का काम सिर्फ यहाँ होता है, क्लियर। V2 का काम सिर्फ इसी टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। तो यहाँ देखो चेंजेस क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट, लेकिन फ्यूचर टेंस में हमेशा विल्चर लगाना कंपलसरी होता है, तो विल्चर लगाकर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस मतलब इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, जब कोई चीज हो रही है ना, गोइंग ऑन, इज गोइंग ऑन। मैं खा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ऐसा। तो हम याद रखेंगे कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट जैसे कि वैसा प्लस इज एम आर, इनका तीनों का मतलब होता है, ठीक है, तीनों का मतलब होता है मैं हूँ, खा रहा हूँ, तो ये हु वाला मतलब ये तीनों वर्ड, इसमें से कोई एक लगेगा स्टूडेंट, ना तीनों नहीं लगते, प्लस कंटिन्यूअस V1 उसके साथ लगेगा ING, तो यहाँ ING लिखो, V1 प्लस ING, ओके। वर्ब के साथ ING, गोइंग, थ्रोइंग, कैचिंग, सिंगिंग, रनिंग, डांसिंग, ऐसे। प्लस ऑब्जेक्ट, क्या चेंजेस किया है, सिर्फ वर्ब, तो वर्ब के साथ ing लगाया और यहाँ पर ezmr लगाना जरूरी है। अब इसी टेंस से दूसरे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे, तो देखो सब्जेक्ट जैसे कि वैसा रहेगा प्लस ezmr की जगह पे हम लिखेंगे was, were। स्टूडेंट पहले से वेयर आप बोलते थे, बट अभी आपको नए प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से वर ही बोलना है, वेयर नहीं बोलेंगे, ओके। वर प्लस यहाँ पर भी v1 के साथ ing, ये याद रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज कहाँ किया, पूरा सेम फॉर्मूला है, बस इज एम आर यहाँ है, तो यहाँ हमें वॉज वर्ब लगाना है। अब यहाँ कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट यहाँ पर विल शैल लगाना जरूरी है, इसलिए हमने लगा दिया, इसके साथ हम बी लगाएंगे, शैल बी ईटिंग, शैल बी प्लेइंग, ऐसे लिखेंगे, और फिर वर्ब के साथ ING और ऑब्जेक्ट। मतलब फॉर्मूला में चेंजेस देखो कहाँ है, सिर्फ यहाँ विल शैल लगाकर बी लगाना है, बाकी सेम, यहाँ वर्ब वर लगाना है, बाकी इसके जैसा, मतलब एक आपको ध्यान में आ गया तो आप इसको बना सकते हो, ओके। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ओके, या प्रोग्रेसिव टेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब कोई चीज पूरी हो चुकी है, कोई काम हमारा पूरा हो चुका है, तो इसे लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव हैज। यहाँ पर चेंजेस इज एम आर था, यहाँ पर हैव हैज रहेगा, और हमेशा ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, हैव या हैज लगाते हैं तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है ना, यहाँ जो हमने लिखा था वो ही फॉर्म आएगा, ईट, एट, ईटन। तो हमेशा आपको जब हैव या हैज लिखते हो तो कभी भी आप ईट या एट नहीं लिखेंगे, इटन ही लिखना पड़ेगा। कोई भी जनरल आप बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, तब ध्यान में रखना है, हैव एज के बाद आपको V3 लगाएंगे। सो V3 ये कंपलसरी, इस चीज को माइंड में सेट करो, हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या चेंजेस हुआ, यहाँ इज एम आर था, यहाँ हैव एज आ गया, हैव एज के बाद V3 कंपलसरी है, इसलिए V1 के साथ ING तो नहीं आएगा, जब ING आता है तो कंटिन्यूस होता है, ING ये पहचान है, कंटिन्यूस का मतलब ही ING, ऐसा ध्यान में रख लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो यहाँ V3 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, इसी से हम दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे, तो सब्जेक्ट जैसे कि वैसा, हैव हैज की जगह हैड आ जाएगा, यहाँ दो नहीं है, एक ही हैड, कोई भी सब्जेक्ट आए, ही आए, शी आए, रीता आए, सीता आए, कुछ भी आए, फिर हम हैड ही लगाएंगे, ओके। प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैव हैज के साथ अगर V3 लगता है तो हैड के साथ भी V3 ही लगता है स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ सब्जेक्ट प्लस फिर से विल शल यहाँ शल नहीं भी लिखा तो भी कोई बात नहीं, विल हैव बीन कर देती हूँ, हैव हैज नहीं आता है भी आएगा, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो विल शल भी कर देती हूँ,
पर मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट, पहले हम शैल का यूज बहुत करते थे, आई और वी के साथ शैल यूज करते थे. ओके, हम लोग पहले टाइम पे शॉल बोलते थे, तो अभी मेरे मुंह से आ गया. तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे विल और शैल लिखा हुआ है तो पहले शैल का इस्तेमाल होता था. आज के नए इंग्लिश में क्या हो गया है कि हम हर चीज के साथ विल लगाकर बात कर सकते हैं. जब विल का मतलब क्या है, क्यों लगाते हैं हम विल, तो जब हम विल लगाते हैं तो ये डेफिनेट हो जाता है कि मैं ये काम करने वाला हूँ, श्योरली करूँगा, तो विल लगा देता हूँ. तो मोस्टली अगर हमें पता होता है कि मैं ये करने वाला हूँ, तभी हम फ्यूचर टेंस में बोलते हैं कि मैं ये करूँगा. ओके, तो विल लगाकर अगर हम बोलते हैं तो ज़्यादा श्योरिटी हो जाती है. इसलिए आजकल मोस्टली हैव लगाते ही नहीं, सॉरी शैल लगाते ही नहीं है, विल के साथ ही सारे सेंटेंसेस को बोला जाता है. इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गई थी, शैल लिखूँ कि नहीं लिखूँ. ओके, सो ये भी देखो अभी कुछ चेंजेस नहीं है यहाँ, विल शैल लगाकर, हैव लगाकर, वी थ्री लगाना. ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर परफेक्ट और कंटिन्यूस है, मतलब हैव हैज का भी परफेक्ट मतलब हैव हैज आना चाहिए, कंटिन्यूस मतलब वर्ब के साथ आईएनजी आना चाहिए, ये हेल्पिंग वर्ब्स आने चाहिए, तो ये कंटिन्यूस हो गया है. परफेक्ट मतलब हैव हैज या हैड आना चाहिए. परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा, तो परफेक्ट का मतलब हैव हैज, मतलब इस सेंटेंस में हैव हैज भी आएगा और कंटिन्यूस मतलब वर्ब के साथ आईएनजी है, मतलब वर्ब के साथ हमें आईएनजी भी लगाना पड़ेगा. तो ये कैसे करेंगे स्टूडेंट, आपने मैंने अभी बताया हैव हैज लगाने के बाद वर्ब के साथ आईएनजी कभी नहीं आता, ये अभी जस्ट बताया था. और अब मैं कह रही हूँ कि वो मुझे हैव हैज भी लगाना है और वर्ब के साथ आईएनजी भी लगाना है. ठीक है, तो ये सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, देखो सब्जेक्ट हैव, हैव हैज प्लस, अब हैव हैज के बाद डायरेक्टली अगर हम वर्ब लगाते हैं तो हमें वी थ्री लिखना पड़ेगा, पर ये हमारा टेंस कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसीलिए हम बिन लगाएंगे पहले, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे. ये वी वन है, हाँ वी वन के साथ आईएनजी लगाएंगे स्टूडेंट. बिन लगाकर आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हो तो आपको वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते आएगा, है ना. डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते थे, वैसे ही सेंटेंस नहीं बनता था, बट हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने बिन लगाकर यूज किया. प्लस क्या इसके बाद, ऑब्जेक्ट. ओके, है इजी, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बिन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, अब इसी को यहाँ कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज की जगह पे आ जाएगा हैड प्लस बिन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. है इजी, सब्जेक्ट लिखा, हैड लिखा, है बिन लिखा और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, जो यहाँ हैव हैज था यहाँ हैड आ गया, मतलब इस सेंटेंस से, इस फॉर्मूला से हम ये बना सकते हैं. अब नेक्स्ट फिर से वही सब्जेक्ट, छोटा सा क्लियर कर दो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ शैल लिखने की जरूरत नहीं है. मैं यहाँ से प्रेस कर देती हूँ, इसे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं प्लस विल हैव बीन. ओके स्टूडेंट, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर हम शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस यहाँ तक कर लिया तो कर लिया, वो भी बंद हो चुका है. ओके, ताकि कोई कन्फ्यूजन आगे आपको ना रहे, इसलिए मैंने ये क्लियर कर.